हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। सुबह सुबह कन्नू को रेडी कर रहे हैं आज कन्नू के पापा, क्योंकि अंशी आज सो रही है अभी तक, और कन्नू के जाने की भी बारी आ गई है। इसके लिए दूध गर्म कर दिया, आलू बैंगन की सब्जी, रोटी बनाई है, क्योंकि मैम ने बोल रखा है कि लंच में रोटियां भी लेकर के आनी है, फ्रेंच फ्राइज से काम नहीं चलेगा और सैंडविच से। तो रोटियां सबसे अच्छी है, सबसे आओ बेस्ट है, तो आओ तैयार इसीलिए करता हूँ आपको मैं मैगी। इसको रोज की रोज, कल कढ़ी और रोटी बना करके दी थी, और आज आलू बैंगन की सब्जी और आजा रोटियां बना करके दी है। वाणी का भी इधर कह रहे हैं कि पापा मुझे भी रेडी आजा तैयार करो, इसको तो करो रेडी तैयार कर दिया है आपने और उसको गोद में आजा बिठा लिया है। चलो दूध आजा पियो कन्नू, यहाँ तैयार बैठो। नाव नाव नी नाव नाव नी बताओ कपड़े पराओ क्या पराओ टिक्का लगा, हैं? लाओ बाल टिक्का लाओ बाल चंदन वाला टिक्का लेके आऊं उसका। ये लगवाने का। ओए ये ओए तो रेडी हो बाबू गया, तैयार हो गया ये तो रेडी हो रे। गया लड़का। और ये बनने का तैयार नहीं, ये भी बनने का स्कूल अरे जाना है। बाबू हो तो भाई गई। अरे बाल तो बाल ही बनेंगे ना बढ़िया भाई। वाणी का के बाल बा दिए आपने, लेकिन है ना आपने उसको अरे तो अच्छे अच्छे कपड़े पहना दिए, प्रेस जूते कह रहे वाले जूते, जूते भी। ये ओ जूते माय गॉड, पहनने हैं। जूते पहनने हैं इसको तो, वाणिका को जूते भी पहनने हैं। बेटा है, हाँ 2 साल के हूँ, बाद आप भी जाओगे स्कूल, हाँ फिर हूँ। बोलोगे मुझे नहीं जाना है पापा, मुझे नहीं जाना और है। हाँ अभी नहीं जाओगी? हुई 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 हुई। ये चल दिया, ये चल दिया, देखो चारपाई को पकड़ के चल दिया। हुई हाँ हुई 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 हुई, हाँ कहाँ जाओगी बेटे? बाहर जाएगी, बाहर स्कूल जाओगी? जाएगी। ओए हुई, देखो ओए मम्मी देखो, अपने आप ही जा रही है आज ओए। तो। वानिका माटो माटो चल के आई है माँ के साथ में, और वानिका तो थकी नहीं पर माँ थक गई है। पर जाना था बाहर और माता जी लेके बैठ गई यहाँ पे, तो ये गुस्से भी आ गया कि यहाँ क्यों लेके बैठे, मुझे बाहर जाना था, चलो बाहर जाना था मुझे तो। सबके सब घूमने जा रहे, बस मैं ये कि हाँ रहूं, घर पे रहूं। पर पूरी ओ भाई रे, भगवान ताकत पूरी लगा रही भाई वाणी का, चल ना जा, जितनी भी है, चल चल जितनी भी है, चल चल जितनी भी है। ले मम्मी अगर इस पर चलना आ गया हाँ तो यार, हम पकड़ने फिर तो ये रुकने की भी नहीं है, फिर तो बाहर ही जाग रही एकदम से तुरंत। नहीं देख, तो बॉबी ने सारी बुक रख दी है, पता नहीं कौन सी बुक रखनी थी। अब इसी ने आके बताया कि आज इसकी वाली बुक चलेगी, अब इसी इसका भी अभी ध्यान रख इसकी लेती बारी आ है। गई है। तो गड्डी आ गई है, चार बेटा उल्टा डाल रखा आपने अपने तो ख्वाहिश पहले में। कौन तैयार हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है अभी से नहाई का नहीं नहाई। नहीं नहीं नहाई, अभी से नहाती है डेली, इसकी वो मम्मी सर्दियों में तो खांसी है हो कि दो जाती चार है। दिन बाद नहा ले, अब गर्मी में तो रोज नहाना पड़े। मैं 4 बजे, 4 बजे उठ चार जाती बजे हूँ। उठ गई थी? हाँ अच्छा जी, गाड़ी फिर भी लेट हो जा। गाड़ी तो कभी कभी सभी की लेट हो जाती है। नहीं इस गाड़ी नहीं, या खुद भी लेट हो जा गाड़ी के लिए आने के लिए। कन्नू भाई साहब आप किस टाइम उठे थे? देखो देखो मैं दिखा रही हूँ, इसमें 4 पीरियड की बुक्स हैं, ठीक है। 4 पीरियड आज है, मैं मैथ ब्लू बुक, ईवीएस कॉपी, हिंदी री बुक रीडिंग, तो ये लेके जानी है, मैथ की कॉपी और ईवीएस की कॉपी लेके जानी है बस। फिर भी मैंने 5 की 5 रख दी। एक ही बच्चों की वैन आ गई, जल्दी चलो। वानिका ने इधर आवाज लगा दी, मुझे क्यों छोड़ के जा रही है? अब पिताजी को वापसी आना पड़ा, बाय बाय, पिताजी को भी लेने आना पड़ा वानिका के लिए। वानिका भी जाएगी, अभी बच्चों को देखेगी। चलो चलो चलो, कितनी खुश हो रही साथ साथ वाने के जाके। वाने का जत्ती भी अभी जो है, मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, और कपड़े डालने के बाद में बस मैं इसको चला दे रही हूँ। थोड़े से कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं और थोड़े से इधर रखे हुए हैं, तो सारे के सारे कपड़े धो दूंगी अभी थोड़ी देर में। अभी लाइट भी आ गई है, इसलिए लेट ही धुलते हैं कपड़े हमारे, तो चलिए ये काम तो कर देते हैं। और आज मैंने नाज सूखने के लिए डाला था, तो ये नाज जो है सूख गया है, मतलब यहाँ पे छांव आ गई, तो इसको भी इकट्ठा करना है। ये वैसे तो धो करके सुखा रखा था, लेकिन इसको पिसवाने से पहले भी एक बार सुखा लेते हैं, क्योंकि अच्छा नाज पिस करके आ जाता है, तो वो पहला नाज इसलिए जल्दी ख़त्म होगा क्योंकि उससे जवे भी तोड़ रही है। फिर दोपहर में हमने ये सारे के सारे जो जवे हैं ये तोड़े हैं इतने सारे, और ये भी कल जितने ही हैं। ये जो वानिका भी उठ गई है, वानिका उठ करके सीधे अपने माँ की गोद में चली गई है। ये देखिए वानिका, माँ और पिताजी तीनों लेट रहे हैं। कन्नू कन्नू बेटा उठ जाओ, कन्नू बाबू उठ जाओ बाबू, चलो दूध पी लो कॉम्प्लान वाला, बहुत देर हो गई सोते सोते, 2 घंटे हो गए। चलो आज तो नहीं मैम को बोलोगे कि मम्मी की गलती थी, मम्मी ने सुला दिया ना आज, आज तो नहीं बोलोगे हैं कन्नू?
कॉम्प्लान का दूध लियो बाबू। ले आऊं? चलो थोड़ा हाला सुधार लो अपना, फिर ट्यूशन में चलना, मुँह हाथ धो के। अभी अभी वानिका को दूध पिला करके आई हूँ, और दूध आजकल हम कटोरी से और चम्मच से पिलाते हैं उसको, क्योंकि निप्पल तो पकड़ना उसने सीखा नहीं बिल्कुल भी। और कटोरी चम्मच से बहुत ही रो रो कर पीती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आदत पड़ जाएगी। कन्नू के पापा के जो ऑफिस में स्टाफ में है ना, तो वे बोल रहे थे कि है ना, मेरी लड़की भी निप्पल से दूध नहीं पीती थी, तो मैंने कटोरी चम्मच लगाई और फिर कुछ दिनों के बाद वो कटोरी से दूध पीने लगी खुद से ही। तो अभी ये वाले जो जमे हैं पतीली में, जब वो डब्बे भर रख के रखा था, और कल वाले जो परात में रखे थे, मैं सारे के सारे जमे जो है पतीले में कर दिए इसमें, और एक बार और इसकी धूप लगा दी, तो इसमें पूरे 4 दिन के जमे हो गए। और ये धूप लगाने के बाद थोड़े से कम हो गए, तो इनको भी अंदर रख के आती हूँ। अंदर क्या रखना है, सामने स्लेब पर ही रखना है। और इसको है ना, मम्मी ने ये कहा कि कल या परसों इनको भून लेना। बिल्कुल अंधेरा हो रहा है कमरे में, और लाइट खोल लेते हैं, यहाँ पे बस इतनी सी लाइट है। तो ये वाला पतीला जो है मैंने यहाँ पे रख दिया, और इसको बाद में ढक दूंगी। ये वाले जो जमे हैं इसमें मम्मी ने बोला है कि कल और धूप लगाना इनको। कन्नू बेटा उठ जाओ, बहुत आला सारा है आपको तो। और ये जो कट्टा है, ग्रीन वाला कट्टा लेकर के आ गई हूँ मैं। अब मुझे इसमें ये अनाज भरना है और पिसवाने के लिए भेजना है मैदे के लिए, क्योंकि मैदा इससे ही निकाल देंगे, ये पिस के आएगा आटा। इसको कपड़े में कुछ छानेंगे, और कपड़े में कुछ छानने के बाद में फिर इसका मैदा निकल जाएगा, आटा बना के इसके जमे तोड़ेंगे। तो इस बार टारगेट है 1 कनस्तर भरने का जमों का। और कन्नू के पापा ने मोल के जमे भी लेके आ रखे, लेकिन उनको कोई नहीं खाता। पिताजी भी ये कहते हैं कि तो प्लास्टिक से के लगते हैं, खाने में इनमें कोई टेस्ट नहीं आता, वो टेस्ट नहीं आता जो हाथ से तोड़े हुए में आता है, लेकिन वे भी हाथ से तोड़ते होंगे। आई थी मैं वानिका को देखने के लिए, वानिका बहुत देर से है ना मम्मी के पास खेल रही है, तो अब इसके पास आ गई है बॉल, और बार बार खड़ी होकर के देखती है मम्मी के पास, बड़ी होकर के देखती है, बड़ी होकर के हाथ ऊपर करके दिखाओ। और अब है ना कपड़े इसके हाथ में को नहीं निकालने पड़ते, हाथ बोलते हैं इसको हाथ ऊपर कर लो, तो एकदम हाथ ऊपर कर लेती है और ऊपर को कपड़े निकाल देते हैं इसके। तो लड़कियां बचपन से समझदार होती है। और जब तक मैं काम करूंगी ना, जब तक मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी बिल्कुल भी, ऐसे ही खेलती रहेगी। अभी मेरे कपड़े सूखने लग रहे हैं वॉशिंग मशीन में, तो वो मुझे फैलाने हैं। तो अभी मम्मी के पास ही खेल रही है काफ़ी देर से, फिर बोर एक बार घुमा करके लाया है इसको, और बॉल से खेलती रहेगी ऐसे ही। वानिका ओए, काफ़ी देर तक ऐसे ही खेलते रहेंगे ये। और ये छतरी उतार दी है यहाँ से ऊपर छत पे से, क्योंकि ये ख़राब हो गई थी, तो दूसरी लगा दी है वहाँ पे। और वानिका मुझसे कुछ कह रही है, आवाज़ दे रही है कि मुझे आओ मम्मी और ले लो मुझे। अब तो माँ बोलने लगी है, देखो चल 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 के आ रही मम्मी मेरे पास। हाँ माँ, मैं हूँ आपकी माँ, वानिका ने मुझे माँ बोला। भूल गए सारे के सारे, कुछ इधर है और कुछ है उधर, ये देखिए। और वहाँ पे इकट्ठे कर दिया, अभी टंकी भी आ गई है, तो मोटर चला दिया पिताजी ने, और पिताजी वानी को लेकर के चले गए, और मम्मी हो गई है थोड़ी देर के लिए फ्री, क्योंकि बच्चे के साथ में भी थक ही जाते हैं। तो मम्मी थकते नहीं आप या थक जाते हो आप? कूदती रहती है अब, अर्निका से ज़्यादा नहीं कूदती है, अर्निका बहुत कूदती थी बचपन में, आपके याद नहीं रहा अब? अर्निका इतनी कूदती थी, बहुत ज़्यादा जंपिंग करती रहती। मम्मी देखा नहीं आपने वीडियो में कितनी बार वो आप उस नहीं हाँ, लेकिन अर्निका ज़्यादा एक्टिव थी इससे, हाँ लेटती नहीं है थोड़ी देर के लिए भी, मतलब 10-5 मिनट के लेटी अगर किसी ने आवाज़ लगा दी वाणी का, दूर से लगा दी एकदम से सुन गए से। और आज है ना दोपहर में हंसी चम्मच से आवाज़ कर रही थी अपने कमरे में, और यहाँ तक सुन रहा था उसे, और एकदम उठ गई इसकी आवाज़ सुनते ही, है ना। अभी भी पिताजी के पास आके बैठ गया, और आज पिताजी टीवी नहीं देख रहे, आज पिताजी बाहर बैठे हैं, क्योंकि अंदर का जो मौसम है ना वो बैठने के लायक नहीं है, कमरे में एसी तो है नहीं है, और पंखे की हवा रही है गरम, तो बाहर का जो मौसम है वो ठीक हो रहा है। हमारी देखभाल करते रहते हैं,
और पिताजी को बड़ा पिताजी बड़ा अच्छा लगता होगा, आराम से बैठे हुए हैं, है ना। तो अभी हमारा तो खाली रहने का मन करता नहीं है, अगर हमारे छुट्टी का दिन रहता घर पे रहते हैं तो मन लगता ही नहीं है, काम पे जाने का मन करता रहता है, चलो कुछ काम कर लेते हैं, खाली खाने मन नहीं लगता। पिताजी का भी कुछ दिन तक, जब पिताजी ने अपनी ड्यूटी छोड़ दी थी तो कुछ दिन तक तो पिताजी बड़े परेशान रहे हैं कि भाई मुझे कहीं जाना है, मुझे काम पर जाना है, मुझे काम पर जाना है, बहुत परेशान रहे पिताजी को। पर हमने सब ने मिल के पिताजी को कहीं जाने नहीं दिया, और पिताजी को बस ये बोल दे कि आप घूमो फिरो ऐसे ही और कहीं नहीं जाना काम करने के लिए। तो काफ़ी दिन हो गए इस बात को, जब से मैं जॉब स्टार्ट की थी तब से पिताजी ने काम पे जाना बंद कर दिया था। तो अब पिताजी आदत पड़ गई, अब भी मन करता है काम पे जाने को, अब खाली रहने की आदत पड़ गई है, तो अब तो मन नहीं करता काम पे जाने को, अब नहीं मन करता पिताजी काम पे जाने को। अब तो जागते में खुश रहते हैं, बच्चे हैं सब मन लगाए रखते हैं, और मन लगा रहता हमारा भी और पिताजी का भी। तो पिताजी घूमने चले जाते हैं बाहर, इधर उधर बैठ लेते हैं यार दोस्तों में, और पिताजी की दोस्ती भी हो गई है, पहले पिताजी की दोस्ती किसी से नहीं थी, अब पिताजी की दोस्ती भी हो गई। अब पिताजी की जो एज के हैं जितने भी बाहर आदमी उनसे दोस्ती हो गई है, और उनके साथ भी बैठ के गप्पी मारते हो या काम की बात करते हो? गप्पी मारो यार, गप्पी मार लो। तो कैसे कैसे गप्पी मारते हो, एक आध गप्पे मुझे बता दो। बस कैसे हैं? अच्छा, खुशी के गप्पे मारते हैं। तो बचपन में पिताजी जब आप कौन कौन से खेल खेला करते थे? अरे बहुत खेल खेलने थे। तो बचपन की बात भी याद करते होंगे कि भाई हम ऐसा खेलते थे, हैं वहाँ जाते थे बचपन में पिताजी? हमारे जो भेड़ होती है भेड़ भी चुगाया करते थे, है ना, जो बकरी होती है बकरी भी चुगाया करते थे, भैंस भी रखा करते थे। तो ये सारे काम हमारे पिताजी ने बचपन में किए हैं, और हमने बचपन में बस थोड़ा बहुत दो चार भैंस तो रखी है, घास घूस करा है, ज़्यादा नहीं। जैसे ही हम हाई स्कूल पार कर गए थे तो वो काम भी मैंने छोड़ दिया। तो चले जी, काफ़ी देर हो गई है हमें बात करते करते, और अंशी का भी काम पढ़ाई का फिनिश हो गया है। अंशी बड़ी खुश हुई है एकदम आके बाहर बैठ के, अंशी को भी बाहर आके यहाँ पे इतना अच्छा लगता है कि जो मौसम है बहुत अच्छा हुआ रहता है गाँव का, गाँव में जल्दी ही अंधेरा हो जाता है और जल्दी ही ठंड हो जाती है। सिटी के मुकाबले थोड़ा सा तो फ़र्क रहता है मौसम में, टेम्परेचर थोड़ा बहुत डाउन रहता है, और गांव का तो खास करके कि आसपास पेड़ पौधे जंगल रहते हैं, शोर शराबा और वाहन का प्रदूषण नहीं होता है। तो शाम को अपने घर ही आ जाते हैं, तो घर आके थोड़ी सी ताज़ी हवा और आराम से खाना पीना हो जाता है, और सुबह को अपना खाना लेके फिर निकल लेते हैं। तो यही रूटीन चलता रहता है मेरा, तो और तो इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। और अब हम इसी के साथ अपनी वीडियो की समाप्ति करते हैं, जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारे नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।